ये एरिया हमारा है, मैं तेरे को आखिरी बार वार्निंग देता हूँ, ये एरिया छोड़कर चला जा। अरे दोस्त, तू इस एरिया की बात करता है, मैं तो हिंदुस्तान छोड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दुबई, समझा? अभी चला, तू मेरे और दुबई के बीच में खड़ा है, चल। देख, डर आता है? देख, देख, जब मैं डरता हूँ ना तो मैं बहुत मारता हूँ, समझा? देख, देख, ये है विकी का पंजा, इसलिए कि पांचों उंगलियां अलग अलग हैं, समझा? नहीं समझा? चलो कोई बात नहीं, समझाना पड़ेगा। इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं सुनाऊं? एक आदमी था, मरने से पहले उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी और कहा कि तोड़ो, तो उन्होंने लकड़ियां तोड़ दी। फिर उसने चारों लकड़ियों को एक साथ बांधकर उन्हें फिर दिया और फिर कहा कि अब तोड़ो, और वो तोड़ नहीं सके। फिर वो बोला कि अगर इसी तरह तुम लोग जुड़ के रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सके। इसी तरह जब विकी के पंजों की पांचों उंगलियां जुड़ जाती है ना, तो उसे कहते हैं मुक्का, विकी का मुक्का। और जब ये किसी के जबड़े पे पड़ता है ना, आहा वाह, तो ऐसा लगता है कि कपिल देव का फुल टॉस, वो भी बगैर हेलमेट के, समझा? देखना चाहेगा? हाँ, ये लो $100 के पूरे 1500। जयराम सेठ, गलती से आपने मुझे 100 रुपए ज्यादा दे दिए। ठहरो, आज माहिम सबवे से मत जाना, क्योंकि दिलावर और उसके आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू जयराम सेठ। उस्ताद, लगता है वो नहीं आएगा साला। मेरे को लगता है भिड़ो कि जयराम ने उसको सब कुछ बोल दिया होगा कि हम लोग उसका इधर वेट कर रहे हैं। लगता है डर गया होगा साला। चलो आज चलते हैं, आज नहीं तो कल देखेंगे उसे। हाँ चलो। हेलो, आज मैं इस तरफ से नहीं आने वाला, मगर जयराम ने बताया कि तुम लोग मेरा यहां इंतजार कर रहे हो, इसलिए चला आया। अरे चला तो आया है, मगर इन टांगों से चलकर वापस नहीं जा सकेगा। जानता है एरिया किसका है? जानता है मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम दिलावर, उसका नाम बहादुर, इसका नाम प्रताप सिंह, इसका नाम शेरा, और वगैरह वगैरह। तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे नाम बड़े मर्दाने रखे, शायद इस उम्मीद में कि तुम लोग मर्द बनो। मगर साले, अपने आप से पूछो क्या यह मर्दानगी है? एक निहत्ते आदमी के लिए 6-6 आदमी, और वो भी हथियारों के साथ। चुप साले, मैं तेरी जबान खींच लूंगा। चुप! मैं जानता हूं तुम 6 मिलकर शायद मुझे मार सको, मगर एक बात सुन लो, जिस आदमी ने मेरी तरफ पहला कदम बढ़ाया, मुझ पर पहला हाथ उठाया, मां कसम मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। अब ये फैसला तुम लोग आपस में कर लो, मैं यही ठहरता हूं।